एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसमें क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर दीज पॉइंट्स माइनस टू माइनस टू और क्या दिया हुआ है 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये ए का है और ये बी का है, इस तरीके से, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, ये ए पी इज इक्वल टू में 3/7 ऑफ ए बी दिया हुआ है, ठीक है। एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखो लाइन सेगमेंट क्या है, ये है लाइन सेगमेंट, ये ए है और ये क्या है बी है, और पी कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -2 -2, और बी के हैं 2, -4, ठीक है। अब पी यहाँ कहीं पर लाई कर रहा है इसी लाइन सेगमेंट में, ये हमने बना दिया, ठीक है। और उसने एक कहानी ये दिया आपको कि ए पी इज इक्वल टू में 3/7 ऑफ ए बी है, ठीक है। अब देखो हमें इसमें पी के जो हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्योंकि बोल रहा है ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये वाले निकालने हैं x, y, ठीक है। लेकिन ये निकलेंगे कब, जब ये रेशो पता होगी, और ये रेशो निकलेगी यहाँ से। देखो यहाँ से देखो जरा, ये 7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 AP और ये 3 AB आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ यहाँ पर कि AP यहाँ रखूँ, AB नीचे ले आऊँ और ये 3/7 कर दूँ, तो AP/AB बनेगा, AP/AB। ये तो रेशियो नहीं होती, रेशियो क्या बनती है इसमें, AP/PB। समझ पा रहे हो बात को, दिस अपॉन में दिस, ये रेशो होनी चाहिए ना, दिस रेशो, ये तो नहीं होती, ये रेशो और ये वाली रेशो। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, अगर हम देखें यहाँ से AP/AB इज इक्वल टू में 3/7, तो 3:7 वो तो किसकी आ रही है, इस AP की और इस AB की। हमें क्या चाहिए होती है, ये AP और ये PB, इस तरीके से हम देखते हैं ना रेशो। तो वो हम कैसे बनाएंगे इसमें, वो देखो जरा, 7 AP, AP तो ठीक है, अब ये AB नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए PB। ये कैसे आएगा, देखो AB जो है वो किससे मिलकर बनाई, दिस AP+PB, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 AB की जगह लिख देता हूँ AP+PB, तो ये बन गया आपके पास 3 AP+3 PB, और ये है आपके पास 7 AP। अब देखो इसमें ये AP वाली इधर ले आओ, 7 AP - 3 AP हो जाएगा, और इधर है 3 PB, ये कितना बन गया 4 AP, 7 में से 3 माइनस किया 4 AP, और ये 3 PB। अब देखो हमें चाहिए AP/PB रेशो के लिए, रेशो ऐसी ही होती है, तो ये बन गई 3/4, 4 इधर ले आए, 3 यहीं पर ही था और PB इधर ले गए, समझ रहे हो। तो जो रेशियो बनी है वो क्या बनी है, 3:4 बनी है, समझ में आ रही है बात, ये भी अब क्लियर हो रही होगी बात आपको, कि यहाँ से हम अगर करते AP/AB तो 3/7, लेकिन वो AP/AB होता, AP/AB होता, हमें चाहिए AP/PB, इस तरीके से। तो रेशियो हमें पता चल गई, ये M1 है हमारा और ये क्या है M2 है, क्लियर है। अब देखो ज़रा, क्लियर हो रही है ना चीज़, ठीक है। अब तो बड़ा ईजी है, आप निकाल सकते हो। अब देखो इसमें डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले नहीं लग सकते जो इधर इस क्वेश्चन में हमने लगाए थे और में बताया था आपको कि ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रेशियो अलग अलग है। अगर सेम रेशियो हो ना, जैसे 1:1 हो या 2:2 हो, तब लगते हैं ये डायरेक्ट वाले फॉर्मूले, तो इसमें तो हमें वही M1 वाला करना पड़ेगा। तो देखो x की जो वैल्यू होती है फॉर्मूला, यानी कि वो क्या होता है हमारे पास, M1x2+M2x1/M1+M2, और जो y निकलता है वो क्या होता है हमारे पास, M1y2+M2y1/ क्या होता है हमारे पास, M1+M2। आ रही है बात समझ में ये, ठीक है। अब देखो ज़रा, M1 कितना है हमारे पास, यहाँ पर 3 है। X2 कितना है, देखो यहाँ पर देखो, ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये वाला X2 है, ये वाला Y2 है, और ये क्या है M1 है, ये वाला क्या है M2 है हमारे पास, दिखाई दे रहा है। तो M1 है 3 और X2 है हमारे पास 2, प्लस में M2 है 4 और X1 है हमारे पास -2, और डिवाइड में M1+M2 दैट इज़ 3+4, तो ये देखो कितना बनेगा, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 हो गया, ये 3+4 कितना हो गया 7, 6 में से 8 माइनस करो कितना बनता है, -2/7। कैसे, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 6 माइनस किया 2, एंड साइन विच इज ग्रेटर, तो 8 के साथ माइनस है तो माइनस आया, तो कितना आ गया, -2/7 आ गया। आया समझ में, एक पॉइंट तो आ गया हमारा पी का, एक कोऑर्डिनेट एक्स तो आ गया, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अब देखो वाई का भी हम इस तरीके से निकाल लेंगे। वाई के लिए देखो M1 कितना है 3, Y2 कितना है -4, प्लस में M2 है 4 और Y1 यहाँ से देखते रहना ये, ठीक है। Y1 कितना है -2 है, M1+M2 दैट इज़ 3+4, तो देखो 3 4 12, -12 आ गया ये, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 और 3+4 इज 7, तो -12 -8, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 में 8 ऐड करो कितना हो गया 20, और साथ में माइनस का साइन आएगा, साइन विच इज़ ग्रेटर वाली कहानी आपको पता ही है, और ये नीचे 7, तो ये आ गया आपके पास वाई। तो एक्स भी पता चल गया हमें यहाँ से और वाई भी पता चल गया, तो जो कोऑर्डिनेट आए हैं पी के वो क्या आ गए हमारे पास, -2/7 एंड -20/7। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, था बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको बस यहाँ थोड़ी सा दिमाग लगाना था कि AP/AB करके ना होता वो, क्योंकि AB तो पूरी बड़ी वाली लाइन हो गई, हमें रेशो चाहिए दिस एंड दिस,
तो वो उसके लिए ये एक सारा काम किया है हमने यहाँ पर। और आगे तो आपको सारी कहानी पता ही थी कि कैसे करते हैं हम, बहुत ही सिंपल है, कर लोगे इसको ठीक है। ओके जी, थैंक यू।